कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज तक सीकर नहीं आए और अब वो सीकर आ रहे हैं। उनका सीकर आने का एक ही मकसद है, इलेक्शन। प्रधानमंत्री यहां सिर्फ बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। दरअसल रंधावा ने कहा, मोदी जी से अपील करता हूं कि वो स्पीकर में भाषण देकर मजाक कर गांधी परिवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस को ना कोस कर जाएं। मोदी को सीधी लाइन देनी चाहिए कि मैं चाइना के लिए क्या कर रहा हूं, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा हूं, मणिपुर में हिंसा में क्या कर रहा हूं। मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख देने का वादा किया था, 3 कृषि कानूनों पर कानून बनाने का आज तक नहीं बना। ये बातें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ आकर करनी चाहिए। दरअसल प्रदेश प्रभारी सलासर बालाजी के दर्शन करने गए थे। जयपुर लौटते समय सीकर सर्किट हाउस में रंधावा मीडिया से बात करते हुए ये बात कहते हैं। दरअसल से पहले रंधावा ने कहा, मैं सलासर बालाजी के दर्शन करके आया हूं और मैंने देश की अमन शांति के लिए अरदास की है। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजेंद्र राठौर और बीजेपी के नेताओं के मुंह से सच शब्द निकालना भी गुनाह है, क्योंकि सच से उनका कोई वास्ता नहीं, सुशासन से उनका कोई वास्ता नहीं। हम ये पिछले 9 साल से देख ही रहे हैं, वो आपस में लड़ने तेरी मेरी करने वाली राजनीति करते हैं। राठौर उस तरीके की राजनीति करते हैं जो उनको उनके पद के अनुरूप शोभा नहीं देता। राजेंद्र गुड़ा पर डोटासरा ने कहा, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा है तो मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करेंगे। राजेंद्र गुड़ा ने मणिपुर घटना को लेकर बोला, जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने गुड़ा को पद से हटा भी दिया है।